أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. इसलिए मेरे दोस्तों, माफ करना, एक बात बहुत जरूरी मैं आपको बताना चाहता हूं कि इज्जत भी देगा तो और जलील भी करेगा तो. आपको अगर किसी से दुश्मनी हो गई, होता है गांव में, आपको किसी से दुश्मनी हो गई और आप ये सोचते हो कि मैं इसको बदनाम करूंगा, मैं इसको जलील करूंगा, मैं इसका मुंह काला करूंगा, लेकिन मेरे दोस्तों तू कुछ नहीं कर सकता. अरे तू कुछ नहीं कर सकता. तू चाहता मैं इसको बदनाम करूं, मैं जलील करूं, मैं इसका मुंह काला करूं. अल्लाह कहते जलील करना मेरा काम है, इज्जत देना मेरा काम है. तू जलील करना चाहेगा, मैं आसमान पर इज्जत देना चाहूंगा. तू खुद जलील हो जाएगा लेकिन उसको कभी जलील नहीं कर सकेगा. इसलिए अब हम लोगों के यहां बड़ा अजीबो गरीब मामला है, हम लोगों के यहां बड़ा अजीबो गरीब मामला है जिससे आपको दुश्मनी हो जाती है. अब चाहते हैं कि मैं किसी तरह भी इसको बदनाम करूं. बचाते कि नहीं चाहते. गांव गांव में मेरे दोस्तों, छोटा सा गांव लेकिन हजारों की दुश्मनियां पड़ी हुई है और हमेशा चाहता है इसको जलील करूं, इसको बदनाम करूं, इसका मुंह काला करूं. अरे अल्लाह ताला फरमाते हैं इज्जत देना भी मेरा काम है और जलील करना भी. तू किसी को इज्जत भी नहीं दे सकता और तू किसी को जलील भी. भाई सही है कि गलत है? अब हम लोगों का मामला तो ऐसा, हमारा अकीदा जो है ना, अकीदा इतना बिगड़ गया, इतना बिगड़ गया हमारा तो मामला ऐसा. अगर दुकान नहीं चलती, हाँ भाई दुकान नहीं चलती, पहले दुकान बहुत अच्छी चलती थी, अब दुकान नहीं चलती. पहले खेती बाड़ी में बहुत पैदावार होती थी, अभी खेती बाड़ी में पैदावार नहीं होती तो क्या कहेगा? ओ मौलाना क्या हुआ, वो मेरे घर के बाहर लीमू रखा था, मेरे घर के बाहर. मुझे एक आदमी ने कहा मौलाना मेरी दुकान नहीं चलती. मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? तो कहता मौलाना वो मेरे घर के बाहर लीमू रखा था. तो मैंने कहा लीमू का जूस पी लेता. कहता मौलाना उसके साथ में मिर्च भी रखी हुई थी, देखो लीमू था मिर्च थी जिसकी वजह से मेरी दुकान नहीं चलती. मैंने कहा भाई इधर आ, फजर की नमाज पढ़ता है? तो कहा नहीं. मैंने कहा इसलिए दुकान नहीं चलती, फजर की नमाज नहीं पढ़ता इसलिए दुकान. बाकी वो लीमू मिर्च से क्या होने वाला? अरे कुछ होने वाला? किसी के पांव पर लीमू मिर्च आ जाए वो उछलता कि मेरे पांव के नीचे लीमू मिर्च आ गया. अरे मेरे दोस्तों, तरने वाली जात अल्लाह की. और ये हमारी माँ बहनें, माफ करे भाई, लेकिन हमारी माँ बहनों के अंदर तो और भी ज्यादा आदत है. घर में बच्चा बीमार हो गया, बच्चा है बुखार आ गया तो पहली जेनबड़ी आगे नहीं जोई गई ना, त्यार थी ऊंचे. जैनब भी नहीं बोलेगी, पहली जेनबड़ी आगे नहीं जोई गई, त्यार थी ऊंचे. अरे मेरे दोस्तों सच बताओ भाई, बीमार करने वाला कौन और तंदुरुस्ती देने वाला कौन? क्यों हम अपना अकीदा बिगाड़े? तो मैं आपसे कहता हूं क्यों अकीदा बिगाड़े? बिल्कुल मजबूत अकीदा रखो. बल्कि मैं तो कहता हूं बीमार हो जाए डॉक्टर के पास जा, बीमार हो गया हकीम के पास जा, बीमार हो गया होम्योपैथी के पास जा, और मैं तो कहता हूं बीमार हो गया किसी तावीज वाले के पास जा. लेकिन अकीदा ये होगा कि तावीज असर नहीं करेगी, असर करने वाला. सही है कि नहीं? मैं तावीज से पूरा असर होता? तावीज तो दवा की तरह, भाई दवा कभी खाओ तो सर का दर्द अच्छा हो गया, कभी खाओ तो सर का दर्द और ज्यादा हो गया. तो तावीज का काम भी ऐसा कि एक भाई मेरे पास आया, मिठाई का डब्बा लेकर आया, क्योंकि मेरे पास इतवार के दिन लोग आते हैं सुबह से लेकर शाम तक. तो एक भाई मेरे पास मिठाई का डब्बा लेकर आया, क्या मौलाना कबूल कर लो. मैंने कहा क्या हुआ? कहा मुझे इंग्लैंड का वीजा मिल गया. मैंने कहा इंग्लैंड का वीजा मिल गया, मुबारक है भाई. तो कहता नहीं मौलाना, वो आपने तावीज दी थी, मैंने यहाँ पर राइट हैंड पर बांधा. अरे बांधा, इंटरव्यू भी नहीं, सीधा गया, पासपोर्ट लिया, शाम को मुझे वीजा मिल गई. तो मौलाना आपकी तावीज में तो कितनी बरकत है. अब मैं सोचता रहा क्यों? इसलिए दो दिन पहले मैं रिफ्यूज हो गया था. मैं सोचता गया ये बड़ा अजीब मामला यार, मेरी तावीज से तुझे वीजा मिल गया और तावीज वाले को वापस भेज दिया. सीधी बात मालूम हो गई, करने वाली जात. मैं मना नहीं करता भाई, मैं मना नहीं करता, मैं तावीज कहने से भी मना नहीं करता, तावीज पीने से भी मना नहीं करता, इसलिए कि साहबा ने भी तावीजें कही और साहबा ने भी तावीजें की, मैं मना नहीं करता. लेकिन अकीदा ये होगा कि शिफा देने वाला, जोर से शिफा देने वाला अल्लाह. बाकी डॉक्टर के पास जाओ, हकीम के पास जाओ, होम्योपैथिक जाओ, आयुर्वेदिक जाओ, तावीज वाले के पास जाओ, लेकिन अकीदा ये होगा कि शिफा तावीज में नहीं, शिफा दवा में नहीं, शिफा देने वाली जात. ये अकीदा बहुत जरूरी है, रखोगे इंशाल्लाह. और अल्लाह ताला को भी बहुत अच्छा लगता जब ये अकीदा हमारा होगा ना, तो अल्लाह ताला को भी बहुत अच्छा लगता, इतना अच्छा लगता, इतना अच्छा लगता कि अल्लाह ताला ने हर रकात में कहा कि ये अकीदे को ताजा कर ले. हर नमाज में नहीं, हर रकात में अल्लाह ने कहा तेरा अकीदा मजबूत कर ले. हर रकात
رکعت میں، ہر نماز میں نہیں، ہر رکعت میں فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو، واجب ہو، جمعہ ہو، عید ہو، ادا ہو، قضا ہو، اللہ نے فرمایا ہر رکعت میں عقیدہ مضبوط کر لے کہ تو میری ہی عبادت کرتا ہے، کرتا رہے گا، مجھے سے مدد مانگتا ہے اور مانگتا رہے گا، یہ عقیدہ ہوگا تو تیری نماز بھی قبول کروں گا اور جنت تک پہنچوں گا۔ ہر رکعت میں اللہ نے کہا کہ نہیں کہا؟ ہم اقرار کرتے ہیں نا اپنا ایمان ہر رکعت میں تازہ کرتے، کیا کہتے ہم؟ اللہ ہم تیری ہی اور کرتے، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے، ارے کہتے کہ نہیں کہتے؟ ہم رکعت میں زور سے کر کہتے ہیں، کہاں کہتے میرے ساتھ میں پڑھو بھائی، میرے ساتھ میں پڑھو، ہم کیا کہتے ہیں اللہ کو؟ ایاک نعبد وایاک نستعین، یہ آیت تو آپ کو یاد ہے نا؟ ارے کون یاد ہے نا؟ اور اس کا پڑھنا واجب ہے، ہاں سورہ فاتحہ کی ایک ایک آیت کا پڑھنا واجب ہے، تو میرے ساتھ میں پڑھو، ایاک نعبد وایاک نستعین۔ رب العالمین نے فرمایا کہ بندہ اقرار کر لے، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور کرتا، زور سے بھائی، کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں اور مانگتا رہوں گا۔ ساتھ میں پڑھو، ایاک نعبد وایاک نستعین۔ اس پر جمو گے نہیں انشاءاللہ، زور سے کہو بھائی، جمو گے نہیں انشاءاللہ۔ میرے دوستو، اسی لیے ایک بات بتاؤں، اللہ کو یہ بہت پسند، اللہ کو یہ بہت پسند کہ میرا بندہ ایمان تازہ کر لے، کرنے والی، بھائی ساتھ میں کہہ دو، کرنے والی ذات اللہ، شفا دینے والی ذات، عزت دینے والی ذات اللہ کی، ہاں ہمارا حاجت روا کون؟ اللہ، ہمارا مشکل کشا کون؟ اللہ، ہمیں روزی دینے والا کون؟ اللہ، ہمیں اولاد دینے والا کون؟